हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सक्सेस टाइम एजुकेशन। आज आम डिस्कसन करवा जीएस प्रैक्टिस सेट्स। ऑलरेडी आम ओडिशा हिस्ट्री प्रैक्टिस करूचे, पैरालाइज इंग्लिश भी प्रैक्टिस होती। जो मैंने पाना प्रैक्टिस सेसन्स थंबनेल सॉरी आप प्लेलीस्ट जातु प्लेलीस्ट आपशा जिके हिस्ट्री गोटे आप कलम थी एंड आप इंग्लीश थी। सिमिलरली इंडियान जीएस रीनस इंडियान जीएस होगा इंडियान जितक रहा हिस्ट्री पॉलिटी तार गोटे पार्ट थी। ओके, से जाए सिक्वेंसेस देखिपारे। एमती आपन जदि स्कैटर रहिके देखि पर्ना तो आपको देख पारे। तो चलंतु बिना लेट करी स्टार्ट करिवा। आज होची मिडविल हिस्ट्री किछि क्वेश्चन डिस्कशन करिया, तापर मॉडर्न जीवा, तापर एंसिएंट जीवा। ओके, तो चलंतु बिना लेट करी एंड फर्स्ट आपन जेतले प्रीमियर चलिबो तो आपन फर्स्ट क्वेश्चन आंसर देबे। आपन केतुरा क्वेश्चंस करि परचन ठीक एंड तापर मते कहिबे बुझपले। एंड सेमती नै कि मो आंसर देखि कि मो आस्तिबो, आपन निजे पचेरिबे कि मते क्वेश्चंस आसुथिला कि नै। जदि आसु नथला तो नेक्स्ट आई मीन्स आकु अटके भलो किनी पढिया स्टार्ट करंतु, टाइम भी अछि आपन पाखे। चलंतु प्रथम क्वेश्चन आंसर दिखते। फर्स्ट क्वेश्चन से आंसर हूँ, हु एमंग द फॉलोइंग वाज द सुल्तान एट दिल्ली व्हेन द विजयनगर एम्पायर वाज फाउंडेड। विजयनगर एम्पायर के फाउंड होता है आप जानते हैं, जो हरबुखा आप फाउंड करते सी कहता सही टाइम आप जिते विजयनगर एम्पायर फाउंड है से आप दिल्ली सुल्तानात जो सुल्तानात दिल्ली अच्छी तार आप राजा किए थे एम्पायर किए थे से राजा व सुल्तान थे। अच्छा, सुल्तान उपाधि क्या मिली आपको भी देखे आप आंसर कहीपरि कि सुल्तान उपाधि या भितर क्या मिली। हाँ, आंसर हम ऑप्शन डी मोहम्मद बिन तुगलक। ओके, जब आप मिडविल पढ़ते कि मोहम्मद बिन तुगलक पर ही आपको विजयनगर एम्पायर स्टार्ट होगा एंड कंप्लीटली मुझे विजयनगर एम्पायर विषय पढ़े। इबन ऑफ तुता वाज ए ट्रैवलर फ्रॉम व्हिच अमंग द फॉलोइंग करंट लोकेशन। इबन ऑफ तुता आप कौ देश आसते, अल्जीरिया, मोरक्को, तुनिसिया एंड लिबिया। यस, ऑप्शन बी होची करेक्ट, मोरक्को, मोरक्को आसते। एंड मत पचार इबन ऑफ तुता सॉरी मत कहे कमेंट सेक्शन कि इबन ऑफ तुता क्या टाइम आसते आप इंडिया को। द रियल नेम ऑफ मुगल एम्पायर शाह आलम टू, ये तो सब इजी क्वेश्चन। शाह आलम टू को मुगल एम्पायर कहा जाए, आलमगीर टू, हेमद शाह दुरानी। अच्छा, आपको एमती तो आप एलिमिनेशन करेंगे जदि ऑप्शन मीर नाजफ खां एंड अली गौहर को भितर अच्छे। आंसर डी हो अली गौहर। ओके, अली गौहर को आपको शाह आलम टू कहता है। व्हिच अमंग द फॉलोइंग राजपूत क्लान क्लान जानते क्लान क्लान डज नॉट बिलोंग टू द अग्निकुल अग्निकुल मैंने भितर कौ क्लान। ओके, कौ क्लान आप अग्निकुल को बिलोंग्स कर नाला परमरा प्रतिहारा चालुक्य एंड कछुआहा। आंसर ऑप्शन डी कछुआ कछुआ आप राजपूत क्लान को बिलोंग कर नी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फेमस मीनाक्षी अमन टेम्पल इन मदुराई वाज बिल्ड ड्यूरिंग व्हिच डायनेस्टी। मीनाक्षी टेम्पल मदुराई तमिलनाडु अच्छे आप जानते हैं, बहुत फेमस टेम्पल। जितेबाला आप हिस्ट्री पढ़ू थे जितने आर्ट एंड कल्चर पढ़ते इंपोर्टेंट टेम्पल एंड एगुटा विषय पढ़ते तो मीनाक्षी टेम्पल को आपको किए तैयारी करते मीनाक्षी टेम्पल को किए करते पांड्यास करते। ऑप्शन ए हो करेक्ट, पांड्यास मैंने। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स अर्न द टाइटल ऑफ पूर्व पश्चिम समुद्र समुद्र दिशावरा। ओके, क्या मिलता ऑप्शन सी हो करेक्ट, हरिहर वन। ओके, हरिहर वन को मिलता ये हरिहर वन आप डिनास्टर कहे विजयनगर एम्पायर। येस, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रूलर आपको कौ उपाधि मिलता पूर्व पश्चिम समुद्र दिशावर। ओके, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स डाइड इन द कालिंजर फोर्ट सिचुएटेड इन द बुंदेलखंड रीजन सेंट्रल इंडिया। अच्छा, ये कालिंजर फोर्ट को कि आक्रमण करते शिवाजी आक्रमण करते कालिंजर फोर्ट शेरशाह सूरी। ऑप्शन बी हो करेक्ट, शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी आप जो कालिंजर फोर्ट ये आप डाई होते शेरशाह सूरी एंड शेरशाह सूरी आप जानते हैं आप जो हुमायूं टाइम आप ग्रांगटक ग्रांगटक जीटी रोड आप एस्टाब्लीश करते शेरशाह सूरी। मोती मस्जिद वाज बिल्ड इन रेड फोर्ट बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मुगल एम्पायर। मोती मस्जिद को किए बिल्ड करते ऑप्शन बी हूँ औरंगजेब। बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन, मोती मस्जिद को औरंगजेब तैयार करते। 1526 AD इज सिग्निफिकेंट इन इंडियन हिस्ट्री बिकॉज ऑफ 1526 कौन होता है बाबर इब्राहिम लोदी भितर फास्ट बैटल पानीपत होता है। ओके, तो फाउंडेशन ऑफ मुगल एम्पायर तापर आप मुगल एम्पायर एस्टाब्लीश होता इब्राहिम लोदी ये सारापर। तो ऑप्शन ए हो करेक्ट, अराइवल ऑफ इब्राहिम तुता नुहे अराइवल भास्को डा गामा नुहे भास्को डा गामा तो कितना आरंभ करते जानते हैं एस्टाब्लीशमेंट ईस्ट इंडिया कंपनी बोले आपको ऑप्शन को एलिमिनेट करेंगे आंसर दे पारे। कारण इब्राहिम तुता आप बहुत टाइम पर आसते मुगल टाइम आसते बट बहुत टाइम पर आसते फिरोज शाह तुगलक आप मत कह आंसर कौटे। घाजी मलिक वाज फाउंडर एंड फास्ट रूलर ऑफ व्हिच ऑफ अच्छा तुगलक डायनेस्टी जानते हैं ग्यासुद्दीन तुगलक ग्यासुद्दीन तुगलक को कहा जाए घाजी मलिक। ओके, ग्यासुद्दीन तुगलक को घाजी मलिक नाम कहा जाए। हुए मंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर राष्ट्रकूट डायनेस्टी राष्ट्रकूट डायनेस्टी को किए करते दंती दुर्ग। एक्चुअली दंती दुर्ग एक्चुअली अच्छा एक्चुअली राष्ट्रकूट डायनेस्टी किए फाउंडर करते दंती दुर्ग करते ना एक्चुअली नाँटा मन पड़े ना सी ही एक्चुअली फाउंडर करते बट बहुत टाइम ना आसे तो दंती दुर्ग ही ऑप्शन मान एंड कृष्णा वन हो राष्ट्रकूट डायनेस्टी आप रूलर सब इंदिरा कृष्णा रूलर बट फाउंडर होती दंती दुर्ग बट एक्चुअली दंती दुर्ग नुहेंगे नाँटा मन पड़े पचारे आप जानते हैं नाँटा मतलब कहे किए एक्चुअल फाउंडर जदि सेटा ऑप्शन न था मुझे कहीपारी
द ट्रिटी ऑफ पुरंदर वाज साइंड ऑन जून अच्छा 1665 बिटवीन मुगल एंड मराठा आप जानते हैं 1665 रे ट्रिटी ऑफ 1664 रे शिवाजी को जो औरंगजेब आपको बंदी कर ओके औरंगजेब बंदी कर नहीं सारापर 1664 से खसिकी आसते खसिकी आसापर पुणी आप मुगल सहित आक्रमण करते शिवाजी कभी करते 1665 ओके 1680 से डेथ होते 1600 शिवाजी डेट के 1628 रू 1680 आपको मन रखिए तो से टाइम आपंकर जो जयसिंह थे जयसिंह विरुद्ध से आपंकर सिद्धि बहुत टाइम अच्छे कि मराठा और मुगल मैंने भितर जो पुरंदर संधि होता क्या टाइम होता है जयसिंह टाइम ऑप्शन से होती करेक्ट नेक्स्ट शेरशाह सूरी इंट्रोड्यूस द कॉइन मेड ऑफ ये तो बहुत ही क्वेश्चन शेरशाह सूरी आपको कौन कॉइन इंट्रोड्यूस करते सिल्वर कपर ना गोल्ड सिल्वर ना गोल्ड सिल्वर कपर तीन डाक करते गोल्ड सिल्वर कपर पृथ्वीराज राशु अच्छा पृथ्वीराज सातु को किए लिखी थे गोटे क्वेश्चन चंदबरदाई ओके ये बहुत इंपोर्टेंट पृथ्वीराज राशु ऑफ चंद चंदबरदाई वाज ओरिजिनल रिटन व्हिच ऑफ द लैंग्वेज पृथ्वीराज राशु को कौन लैंग्वेज लिखा था ऑप्शन डी हो करेज ब्रिजी भाषा ओके ब्रिज भाषा आपको कहे ब्रिज भाषा पृथ्वीराज चौहान को किए लिखते हैं चंद्रबदाई ये बहुत इंपोर्टेंट व्हिच अमंग द फॉलोइंग एंड मत क्वेश्चन देवे क्वेश्चन मुझे पचारे कहे मतलब कहे इंडियन होम रूल आपको किए लिखते इंडियन होम रूल अच्छा होम रूल मुवमेंट किए थे बाल गंगाधर तिलक एंड रानी बसंत से अनुसार इंडियन होम रूल किए लिखते मत क्वेश्चन देते क्वेश्चन पचारे मुझे कहि अच्छा मदर इंडिया किए लिखते किसी क्वेश्चन से आपको आंसर देते मदर ये बहुत इंपोर्टेंट नेग्लेक्ट कले कि हमें मदर इंडिया किए लिखते आपंकर मालगुड़ी ड्रेस किए लिखते ओके मालगुड़ी ड्रेस किए लिखते बुझे आ बहुत एमती अच्छी आपको कह बस ये तीन टाइम कहुत मदर इंडिया मालगुड़ी ड्रेस एंड इंडिया होम रूल किए लिखते व्हिच अमंग द फॉलोइंग वाज द रीजन ऑफ इरप्शन ऑफ फराजी मूवमेंट अच्छा जो आपंकर फराजी मूवमेंट होता तार एक्चुअल कारण कौन तो कोलैप्स करार कोलैप्स मीन आपंकर भांगी जबार ऑप्शन सो होची ऑपरेसिव पॉलिसी ऑफ द कंपनी टुवर्ड्स मुस्लिम टेनर्स ओके मुस्लिम टेनर्स जो आपंकर कड़ा जो पॉलिसी होता से बुझेगा नेक्स्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट एम भितर कौ स्टेटमेंट इनकरेक्ट तो ऑप्शन शब्द दिखाई विजय सेन वाज द मोस्ट फेमस एंड पावरफुल किंग ऑफ सेन डायनेस्टी ये होची आपंकर एकदम करेक्ट तो सेन डायनेस्टी होची जो सेन डायनेस्टी तार आपंकर फाउंडर होती विजय सेन ये मन रखे गोटे क्वेश्चन पाइगले सामंता सेन वाज द फाउंडर ऑफ सेन डायनेस्टी अच्छा एक्चुअली फाउंडर नुहे विजय सेना होकर जमी आपरि आपंकर मिहिर भोज आपको जो थे आप चालुक्य डायनेस्टी जो आप मिहिर भोज थे सी आप ग्रेटेस्ट रूल थे रूलर थे सिमिलरली विजय सेन ये पावरफुल किंग थे बट फाउंड करते सामंता सेन सॉरी सामंता सेन आप सेन डायनेस्टी को फाउंड करते ऑप्शन बी भी करेक्ट तापर कोची सामंता सेन वाज द सन ऑफ हेमंत सेन नहीं सामंता सेन होची विजय सेन का सन तो ऑप्शन सी होची भूल अच्छी तापर अद्भुत सागर वाज वर्क ऑफ बलाल सेन ओके सेन डायनेस्टी पढ़ते जब कहींपर हुए मैं तो फॉलोइंग वाज द फास्ट राइटर टू यूज उर्दू आज ए मीडियम ऑफ पोएट्रिक एक्सप्रेशन तो अमीर खासरू ओके अमीर खासरू ये आपंकर अमीर खासरू क्या आसते आपत जाते हैं यूरोप जो आप यूरोपियन इनवेंट सॉरी आप आरब कॉन्क्वेस्ट यूरोपियन इनवेंट आरब कॉन्क्वेस्ट होता ओके टाइम होता आरब कॉन्क्वेस्ट मोहम्मद गजनी से ही टाइम आसते हुए मैं तो फॉलोइंग वाज द रिलीजियस गुरु ऑफ सुभाजी रामदास कहते दुटा थे गोटे होती आपको रिलीजियस गुरु आउ गोटे पॉलिटिकल गुरु रिलीजियस गुरु तो रामदास एंड पॉलिटिकल गुरु किए थे मतलब कहे ओके अपना आंसर देवे अहमद शाह अब्दाली इनवाइटेड इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग द रीजन ऑफ व्हिच अमंग द फॉलोइंग मुगल एम्पायर तो आंसर हम कौन शाह आलम टू ओके ऑप्शन हम सी शाह आलम टू नेक्स्ट शिलापदिकरम एंड मणिमेकलाई आर द इमोर्टल एपिक वर्क्स बिलोंगिंग टू व्हिच अमंग द फॉलोइंग पीरियड तो ये दुटा जो शिलापदिकरम एंड मणिमेकलाई ये आपको संगम एज रे ओके संगम एज विजयनगर एम्पायर पर आसाला संगम एज द किंग ऑफ विजयनगर एम्पायर अच्युत राय इश्यूड व्हिच टाइप ऑफ कॉइन तो अच्युत राय आपको कौ टाइप ऑफ कॉइन यूज करते ऑप्शन बी हो करेक्ट तो बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन मुझे नहीं द किंग ऑफ विजयनगर एम्पायर अच्युत राय इश्यूड व्हिच टाइप ऑफ कॉइन्स तो आंसर देते गरुड़ ओके नेक्स्ट द किंग ऑफ विजयनगर एम्पायर कृष्णदेव राय इश्यूड व्हिच टाइप ऑफ कॉइन देखो ये आपंकर गरुड़ कॉइन इश्यू करते किए विजयनगर एम्पायर अच्युत राय आपंकर गरुड़ कॉइन आपंकर ये करते बुझे बट एटी कौन कही जो आप कृष्णदेव राय थे कृष्णदेव राय किंग जो विजयनगर थे सी कौ कौन ये करते सी बालकृष्ण एंड वेंकटेश ओके ऑप्शन ए एंड बी दुटा क्विच टाइप ऑफ कॉइन ए टाइप मीन से कॉइन ने बेसिकली आपको कॉइन ने गरुड़ चिन्ह था आपको कॉइन ने आपको कह रहा अच्युत राय टाइम गरुड़ चिन्ह था एंड आप कृष्णदेव राय टाइम कृष्ण चिन्ह था बालकृष्ण एंड वेंकटेश आई थिंक विष्णु ओके बोथ ए एंड बी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वाज वेयर द एलिमेंट्स एडेड टू मुस्लिम्स टू इंडियन आर्किटेक्चर यूज ऑफ कैलीग्राफी यूज ऑफ शेप्स इंस्टेड ऑफ नेचुरल फॉर्म्स यस ये यूज ऑफ कैलीग्राफी भी यूज होता है कैलीग्राफी मीन्स कौन कहीपर हाँ जो चोरी करती आप कैलीग्राफी कहुए सोरेटिव कहे ये आपंकर लिखा जो कहते कैलीग्राफी कहुए यूज ऑफ शेप्स इंस्टेड ऑफ नेचुरल फॉर्म्स डोंट यस आपको भी होता है
तो आंसर कौन हम आउ गोटे ऑप्शंस नाइ ऑप्शंस 1 एंड 2 हम ऑप्शंस ए हो करेक्ट सॉरी ओके ऑप्शन ए हो करेक्ट ना कंसीडर द फॉलोइंग मॉन्यूमेंट्स ए मॉन्यूमेंट्स कहबे व्हिच ऑफ सी कहजो व्हिच ऑफ द एबव इज लोकेटेड इन इंडिया ए माने जो मॉन्यूमेंट्स अछि से इंडिया रे कोटे लोकेटेड अछि अकबर टॉम आपन के इंडिया लोकेटेड अछि यस इंडिया लोकेटेड अछि बाबर बाबर टॉम आपन को अच्छा बाबर टॉम आपन को काबुल ले अछि ओके एटा इंपोर्टेंट बाबर टॉम आपन काबुल ले अछि एंड जहांगीर टॉम आपन को पाकिस्तान अछि ओके बट सी इंडिया रे पछि अछि आंसर द अकबर टॉम ओके बहुत भलो क्वेश्चंस आई थिंक 30 क्वेश्चंस से आपन को पाखरे डिस्कशन हेछि एमती आप भल पाए थो लाइक टू सेयर करूँ एंड सांग सहित सेयर करूँ जहाँ द्वारा आप प्राक्ट सेसन बहुत भल भल क्वेश्चन आसो एंड 100% गारंटी दूँ या दूर आप क्वेश्चन फसो ही फसो यहाँ लिखिकी नहीं जाऊँ ओके थैंक यू वेरी मच।